नमस्कार, आज दही जमाने जा रही हूँ। घर पे दही कैसे बनाएं वो मैं आपको बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। दही बनाने के लिए आधा लीटर दूध मैंने लिया है और दूध मैंने फुल क्रीम लिया है और एक चम्मच दही, ये दो ही चीज़ें इसके लिए चाहिए। और अगर आप दही की जगह पे लस्सी ले रहे हैं तो वो लगभग 3 चम्मच लें, क्योंकि उसमें पानी होता है, पतली होती है, तो इसलिए अगर लस्सी ले रहे हैं तो 3 चम्मच लें। दही लें तो 1 चम्मच, आधा किलो में बहुत है। तो सबसे पहले ताज़ा दूध है मेरे पास, इसको उबालना है अच्छे से। और अगर आपके पास उबला हुआ है, पहले से आप उबाल चुके हैं, तो एक ही बार उबालना काफ़ी है, तो बस उसको रूम टेम्परेचर पे लाएं, अगर फ्रिज के अंदर रखा है, और उसके बाद में उसको सेट कर सकते हैं। तो बार बार उबालने की ज़रूरत नहीं है कि जितनी बार दही जमाएं उतनी बार आप गर्म करें दूध को, ऐसा नहीं है। ये लीजिए, दूध हमारा उबल चुका है अच्छे से, गैस को बंद कर देंगे। और अब दूध को ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पर इसको लाना है, तो इसको रख देते हैं पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए। ये लीजिए, दूध मेरा ठंडा हो चुका है और इसके ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी मलाई आ चुकी है, क्योंकि फुल क्रीम दूध था। तो आपकी मर्जी है, मलाई के समेत आप जमाना चाहते हैं या मलाई हटा के। यहाँ पे मैं मलाई अलग से हटा दूंगी, तो किसी भी चम्मच से इस तरीके से मलाई को पीछे रखें और धीरे धीरे सिर्फ दूध डालें। और अब इसके अंदर डाल देंगे दही, और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि दही का एकदम थक्का जमे, अच्छी सी दही सेट हो। इसके लिए एक बार मिक्स करना ज़रूरी है। किसी भी बर्तन में आप सेट कर सकते हैं दही को, स्टील का बर्तन हो या इस तरीके का हो, या फिर मिट्टी का बर्तन हो, गर्मियों में उसमें बड़ी अच्छी जमती है। अब इसको ढक देंगे किसी भी प्लेट से, और प्लेट से इसको ढकने के बाद में इसको रख देंगे एक साइड में। इसको छेड़ना नहीं है बार बार, ये लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे सेट होने में। ये लीजिए, लगभग 5 घंटे के बाद में दही अच्छे से सेट हो चुकी है। ये देखिए, एक कटोरी में निकाल के मैं दिखा रही हूँ। और इसको आप रखें फ्रिज के अंदर और उसके बाद में यूज़ करें। लीजिए, घर की बनी हुई दही एकदम तैयार है।